अंकित सिंह, और मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन दिखने में यार छोटा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, रेदर, RATHER, ओनली रेदर, दूसरा इसके साथ कुछ है ही नहीं, रेदर देन आर, रेदर कुछ नहीं, बस अकेले यदि किसी सेंटेंस में रेदर आता है उसका मतलब क्या होता है, आज उसी को समझते हैं। उसको हम लोग कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, कोई जब भी हम बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें यदि आ जाते हैं तो मेरा मत्था जो है घूम जाता है, तो उसका क्या मतलब होगा आज हम लोग समझ लेंगे, और किस प्रकार से उसको किसी सेंटेंस में यूज करना, पूरा का पूरा कंसेप्ट ओनली रेदर का हम लोग सीखेंगे, उसका हिंदी में मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए रेदर का मतलब होता है बल्कि, क्या होता है RATH, या रेदर का हिंदी जो मतलब होता है उसको बल्कि होता है, तब किसी सेंटेंस में बल्कि के जैसे काम करता है। जैसे मैं बोलता अरे यार बल्कि तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, बल्कि मैं यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इस तरीके से बल्कि की बात आती है तो उधर को हम लोग रेदर का यूज करते। जैसे बल्कि मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी आती है कि रेदर का यूज हम लोग उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पर प्रेफरेंस की बात आती है, चाहत की बात आती है, तुम्हारे फेवरेबल की बात आती है, तुम्हारे पसंदीदार की बात आती है, तो उधर की बात होती है रेदर का यूज करते हैं। जहाँ पर भी रेदर का यूज आता है हमेशा तुम्हारी चाहत की बात करती है, तुम्हारे पसंद करने की बात आती है, तुम्हारे प्रीफर की बात करती है, तुम्हारे चाहत की बात, ये सब जो बात करती है, तुम्हारे हमेशा फेवरेबल की भी बात करती है, तभी तो उधर का हम लोग रेदर का यूज करते हैं। चाहे कोई भी यूज पढ़ लो, हमेशा रेदर हो चाहे यार रेदर हो चाहे रेदर देना, हमेशा तुम्हारे प्रीफरेबल अर्थात फेवरेबल कंडीशन में यूज किया जाता है, कभी दूसरे कंडीशन में नहीं यूज किया जाता, लेकिन उसके भी कंडीशन होते हैं। देखते हैं, बल्कि मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ, पर देखो क्या तुम्हारा प्रिफरेबल है पढ़ाना, ओके, बल्कि मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं, तो यहां पर सीधा सा लिखता हूं आई पसंद करता हूं, इट मींस आई लाइक, रेदर बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं, रेदर टू टीच द स्टूडेंट, अंडरस्टूड, I like rather to teach the student, मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ, बल्कि वह खाना बनाना पसंद करती है, बल्कि यहाँ पर भी देखो बल्कि है, यहाँ पर भी बल्कि, बल्कि का क्या लिखे हमने rather, ओके, तो बल्कि वह खाना बनाना पसंद करते, इट मीन्स सी लाइक्स rather, सी लाइक्स rather टू कुक द फूड, बल्कि वह खाना बनाना पसंद करती, इट मीन्स सी लाइक्स रेदर टू कुक द फूड, बल्कि तुमने वहाँ जाने का निर्णय लिया, ये भी तुम्हारे प्रिफरेबल में भी है, तो बल्कि का रेदर, इट मीन्स तुमने वहाँ जाने का निर्णय लिया, इट मीन्स यू डिसाइडेड रेदर टू गो देयर, यू डिसाइडेड रेदर टू गो देयर। यहाँ पर यदि हम लोग बात करते तो जहाँ पर भी रेदर आ रहा है ना, ये जो भी रेदर आ रहा है हमेशा जो मेन वर्ब के जैसे लाइक काम कर रहा है उस मेन वर्ब के बाद ही हमेशा रेदर आ रहे हैं, दूसरा कुछ के जैसे नहीं आ रहे, मेन वर्ब के बाद आ रहे तुरंत। यहाँ पर देखो बल्कि वह मरना पसंद करती है, इट मीन्स बल्कि क्या पर रेदर तो लिखा जाएगा, तो सी पसंद करती, इट मीन्स सी लाइक्स रेदर टू डाई, सी लाइक्स रेदर टू डाई, बल्कि वह मरना पसंद करती है, बल्कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो बल्कि का रेदर ही लिखा जाएगा, इट मीन्स मैं मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो आई वॉन्ट, यहाँ पर मेन वर्ब के जैसे काम किया, आई वॉन्ट रेदर टू मीट यू, इस तरीके से देखा आपने बल्कि का सेंस में कैसे हमने रेदर का यूज किया, बल्कि आई लाइक रेदर टू टीच द स्टूडेंट, बल्कि आप मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं, इट मीन्स यू लाइक्स रेदर टू वॉच माई वीडियो, बल्कि के सेंस में इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे तो समझ लेना उधर को रेदर ही डाला जाएगा, दूसरा कुछ नहीं डाला जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों मिलेंगे आर रेदर के साथ में। आई थिंक दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कहीं बीच में भूल मत जाइएगा।